विगत रात्रि खुफिया एजेंसी के द्वारा गुप्त सूचना दी गई थी कि गिद्धेश्वर पहाड़ी खैरा थाना अंतर्गत पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन सीपीआई माओवादी करुणादी एवं पिंटू राणा का हार्डकोर सदस्यों का दस्ता अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से गया हुआ है। उक्त सूचना पर मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के नेतृत्व में एक विशेष अभियान दल का गठन किया गया एवं त्वरित कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में गठित टीम द्वारा गिद्धेश्वर पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया, जिस क्रम में स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर 25 लाख की इनामी करुणादी एवं जोनल कमांडर पिंटू राणा 15 लाख झारखंड सरकार में इनामी एवं बिहार सरकार द्वारा 50,000 का इनामी पिंटू राणा जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इनके निशानदेही पर उक्त पहाड़ व गिद्धेश्वर के जंगली क्षेत्र में एसटीएफ, जिला बल, सीआरपीएफ, एसएसबी एवं कोबरा का संयुक्त ऑप्स प्लान तैयार किया गया। उक्त कार्य योजना के तहत संयुक्त ऑप्स संचालित किया गया। सर्च के क्रम में उक्त हार्डकोर माओवादी के छुपाकर रखे अत्याधुनिक अग्निशस्त्र AK-47, SLR एवं AK-47 का 159 गोली, SLR का 88 राउंड गोली बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि कुख्यात नक्सली कमांडर मतलू तुरी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद नक्सल संगठन के शीर्ष नेतृत्व एवं संगठन के अन्य हथियारबंद दस्ता के सदस्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बल CRPF, SSB, कोबरा द्वारा क्षेत्र में निरंतर कार्रवाई एवं भारी दबिश बनाई जा रही थी, जिसके कारण ये काफ़ी दहशत में थे और वे सभी गिद्धेश्वर पहाड़ी क्षेत्र से अन्यत्र भागने के फिराक में थे। उक्त नक्सली के गिरफ्तारी से नक्सलों का मनोबल नीचा हुआ है एवं पुलिस का मनोबल ऊंचा हुआ है। उक्त कार्रवाई से बिहार एवं झारखंड राज्य में नक्सलियों की गतिविधि पर काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा। गिरफ्तार किए गए नक्सलियों के विरुद्ध बिहार एवं झारखंड में कई कांड दर्ज हैं। अब तक से ज्ञात पिंटू राणा के विरुद्ध 72 कांड एवं करुणादी के विरुद्ध 33 कांड बिहार एवं झारखंड में दर्ज। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम करुणादी एवं पिंटू राणा, बरामदगी AK-47-1, SLR-1, AK-47 की मैगजीन 2, SLR की मैगजीन 1, AK-47 159 राउंड, SLR 88 राउंड। टीम में शामिल सदस्य डॉक्टर राकेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई, रहमत अली, पुलिस उपाधीक्षक STF जमुई, दिनेश कुमार वर्मा, पुअनी STF जमुई, STF की टीम, विजय कुमार सब इंस्पेक्टर एंड DIU इंचार्ज, DIU टीम, सिद्धेश्वर पासवान SHO खैरा, संजीत कुमार SHO गरी, राजाराम शर्मा SHO लक्ष्मीपुर, विजेंद्र कुमार SHO लछवार, CRPF, SSB, कोबरा, इन सब की टीम। इन सब टीम में सभी शामिल सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा एवं इनके वरीय पदाधिकारियों से इनको पुरस्कार देने की अनुशंसा किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो हथियार मिला है क्या ये पुलिस का लूटा हुआ हथियार है, क्या है? इसके संबंध में हम लोग अभी आपको विज्ञापन भी देंगे और उच्च स्तर पे आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी इसका विज्ञापन देंगे कि ये कहाँ से ये हथियार हैं। इनमें हम लोग को जो नंबर्स हैं वो लोग हम लोग को मिला है, तो उसको पहचान करने में कुछ समय लगेगा, उसके बाद ही हम इसमें कुछ कह पाएंगे। नक्सलवाद के खात्मे के लिए जम्मू पुलिस अच्छा काम कर रही है। पिछले दिनों ही 3 नक्सली सरेंडर किया था, ये 2 फिर गिरफ्तार किए गए। क्या लगता है कि जमुई जिला कितने दिनों में नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा? देखिए, हम लोग प्रयासरत हैं, और भी कुछ नक्सली हैं जो आप कभी भी बाहर हैं हमारे गिरफ्त से, तो प्रयास जारी रहेगा और उम्मीद करते हैं कि नक्सल पे हमारा जो आपको अभियान है वो CRPF, SSB, कोबरा, STF और सभी के द्वारा संयुक्त रूप से निरंतर किया जाए। तमाम टीमें सर, जो CRPF, SSB, तमाम जो हमारे जवान, तमाम लगता है बहुत दिनों से पिंटू राणा की तलाश में थी और आज सफलता हाथ लगी है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो कार्रवाई की गई थी वो था मतलू तुरी का इनकाउंटर। उसके बाद आपको गिद्धेश्वर पहाड़ में इनका मूवमेंट जो था वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गया था। SSB, CRPF और कोबरा के द्वारा और STF के द्वारा लगातार जो वो आपको गिद्धेश्वर पहाड़ी है वहाँ पे हम लोग के द्वारा सर्च अभियान चलाया जाता था, जिस क्रम में इनका मूवमेंट और इनको खान पान की भी दिक्कतें आने लगी और जो हमारा जो लॉगर चलता है उसमें इनके बारे में, इनकी दिक्कतों के बारे में बार बार बात आ रही थी। इसी क्रम में क्योंकि ये कमज़ोर पड़ गए थे और हम इन पर आपको भारी पड़ गए थे, इसी कारण से आपको ये उपलब्धि हम लोग को मिली। सर, ये इतना बड़ा ये नक्सली जो इनामी है सर, और बावजूद ये लोग पकड़ा गया है सर, तो अब क्या लग रहा है कि और जो नक्सली है उसको पकड़ने में कामयाबी और भी मिलेगा क्या कुछ और? देखिए, ये तो निश्चित बात है कि इसके बाद नक्सल बैकफुट पे चले जाएंगे और इसका पूरा मैसेज आपको पूरे देश में जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग इस तरह से कार्रवाई करेंगे और बिहार झारखंड को नक्सल फ्री बनाएंगे। वैसे नक्सलियों के लिए क्या संदेश होगा आपका जो कि इस तरह का वो आगे कदम आकर? देखिए, विगत 7 महीने से CRPF, SSB, जिला पुलिस, STF, हम सभी लोग निरंतर आप देख रहे होंगे बिहार में अन्यत्र जगहों पे भी काफ़ी रिकवरी हो रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो कंबाइंड एफर्ट चल रहा है और इनकाउंटर्स भी हो रहे हैं और सरेंडर्स भी हो रहे हैं। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि हम लोग दोनों तरीके से काम कर रहे हैं,
मानवाधिकार को देखते हुए भी हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, लोगों को सरेंडर भी कराने की बात कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की भी बात कर रहे हैं। और आपको अगर जो फायरिंग करता है, जो आपको वायलेंट मीन्स को अपनाता है, तो उनके खिलाफ हम लोग उसी स्तर से कार्रवाई भी करते हैं। तो उम्मीद है कि हर तरह के नक्सली के लिए ये एक संदेश है कि कौन किस तरह से मतलब रास्ता अपनाना चाहता है और आगे हमारे समक्ष आना चाहता है। सर, 5-3 सरेंडर किया, 2 अरेस्ट हुआ, 5 टॉप नक्सली को आपने हो गया, अब कितने टॉप नक्सली बचे हैं सर? अभी जो मुख्यतः जो सभी के जुबान पर रहता है, एक आपको अरविंद यादव का नाम आता है और जो परवेज दा है उनका नाम आता है। इन दोनों से भी हमारी अपील रही कि ये दो भी आपको सरेंडर कर जाएं, या आपको अगर ये नहीं मानते हैं तो इनके विरुद्ध जो पूर्व में हम लोगों ने अभी कार्रवाई की, अभी 6 महीनों में इनके विरुद्ध दूसरी तरह से हम लोग कार्रवाई करेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर